जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं ये मेरी उस वीडियो का पार्ट सिक्स है जो कि मैं आपको अनोखे सूत्र बता रहा हूँ। वीडियो में काफ़ी पीछे पांच वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इसमें मैं कुछ आपको अनोखे सूत्र बताऊँगा जो प्रेडिक्शन के लिए आपको हमेशा ध्यान रखने हैं और बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, दो तरह के कारक होते हैं। एक कारक होता है स्थिर कारक, ये आप ध्यान रखिए इसको, बल्कि याद कर लीजिए तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी चीज़ में भी, कुंडली को एग्जामिन करने में। एक होता है चर कारक। स्थिर कारक क्या होते हैं, चर कारक क्या होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले भाव का कारक है सूर्य, दूसरे भाव का कारक है गुरु, ये स्थिर कारक हैं इसके। तीसरे भाव का कारक है मंगल, चौथे भाव का कारक है चंद्रमा, पाँचवें भाव का कारक है गुरु, छठे भाव का कारक है मंगल। अच्छा, ये हैं क्यों, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो सोचने वाली बात इसलिए है कि लग्न जो है, जैसे लग्न है, लग्न का कारक सूर्य है। क्यों रखा गया, क्योंकि सूर्य बेसिकली आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए लग्न का कारक स्वयं का कारक जो है, क्योंकि स्वयं एक आत्मा है, मनुष्य एक आत्मा है, तो उसके लिए पहले भाव का कारक जो है वो सूर्य माना गया है। दूसरा भाव होता है धन भाव, धन देने वाला ग्रह कौन सा है, गुरु, तो इसलिए धन भाव का कारक गुरु माना गया है। तीसरा है पराक्रम भाव, बल जिसे कहते हैं, फोर्स स्ट्रेंथ, उसका कारक कौन होता है, उसका कारक होता है मंगल, इसलिए थर्ड भाव का कारक मंगल माना गया है। चौथा भाव क्या है, चौथा भाव है सुख, शीतलता, माता का सुख, तो चंद्रमा से अच्छा कौन सा देता है, कहते हैं ना चंद्रमा की शीतलता, ऐसा लगता है जैसे माता का सुख बिल्कुल आदमी को मिल रहा है, इंसान को मिल रहा है, तो इसलिए चंद्रमा चौथे भाव का कारक होता है। पांचवा भाव ये होता है पूर्व जन्म के कर्मों का, आपके विवेक का, आपकी बुद्धि का, आपके ज्ञान का, आपकी नॉलेज का, आपके ऊपर जो भी कृपा है उन सब चीज़ों का, तो वो कौन करता है, वो कौन डील करता है, वो गुरु डील करता है। छठा भाव आपके शत्रुओं का होता है, इसलिए मंगल कारक हो गया इसका। सातवां भाव आपकी पत्नी और पार्टनर का होता है, इसलिए शुक्र कारक हो गया इसका। आठवां भाव आपके ये सब आयु कारक होता है, तो आयु के लिए शनि देखते हैं या मृत्यु के लिए शनि देखते हैं, तो इसलिए शनि का कारक हो गया इसका। नवा भाव फिर भाग्य और धर्म का हो गया, आपके गुरु का हो गया, तीर्थयात्रा का हो गया, तो उस केस में भी आपके जो गुरु रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए, तो गुरु कारक बना दिया। फिर आता है बुध कारक, कि बुध बना दिया आपने, क्योंकि बुध जो है दसवें भाव का कारक है, क्योंकि दसवें भाव होता है प्रोफेशन का, प्रोफेशन में काम करने के लिए आपको बुद्धि की रिक्वायरमेंट आपकी मिनिमम है, तो बुद्धि जरूर चाहिए आपको, तो इसलिए इसका कारक बुध को माना गया है। फिर ग्यारहवां भाव आता है लाभ, जहाँ भी लाभ की बात चलेगी, जहाँ भी गेन की बात चलेगी, जहाँ भी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स की बात चलेगी, वहाँ हमेशा वो सब चीज़ें करने के लिए कौन है, वो गुरु है, जो आदमी की इच्छा पूरी करेगा, लाभ देगा, उसको आशीर्वाद बनाए रखेगा, तो इसलिए इसका कारक गुरु हो गया। फिर आपका शनि आ गया, इसका कारक इसलिए क्योंकि ये व्यय भाव है, हानि भाव है, हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, शनि दुख देता है, शनि दर्द देता है, शनि हॉस्पिटल की लंबी लंबी बीमारियाँ देता है, तो इसलिए इस भाव का कारक शनि आ गया। तो ये स्थिर कारक हो गए, जिनके पीछे एक मीनिंग है कि क्यों स्थिर कारक, यही कारक माने गए हैं, इसके अलावा नहीं माने गए, तो वो क्यों ऐसा रहता है, तो इसलिए इनको ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर है। अच्छा, ये तो मैंने जैसे आपको पीछे बताया था कि जब भी किसी भाव की स्टडी करते हैं तो हम भाव देखते हैं, भावेश देखते हैं और कारक देखते हैं। तीनों चीज़ों को देखने के बाद हम लोग कहते हैं कि हाँ, ये भाव अच्छा है या ये भाव बुरा है, इस भाव के रिजल्ट हमें प्लस मिलेंगे या इस भाव के रिजल्ट हमको माइनस मिलेंगे। अब एक चीज़ और आती है बहुत इंपॉर्टेंट, चर कारक। चर कारक जो होता है, आपको ये भी देखना होता है, जैसे सपोज कीजिए आपसे किसी ने प्रश्न किया कि साहब मुझको एक लग्जरी कार खरीदनी है, लग्जरी व्हीकल खरीदना है, तो लग्जरी व्हीकल खरीदने के लिए इंसान कहता है या नेटिव कोई भी आदमी कहता है, आपसे प्रश्न करता है कि साहब मुझको एक लग्जरी व्हीकल खरीदना है, तो बताइए मेरी कुंडली देख के कि क्या कुछ चांसेस हैं, कोई योग बन रहा है इसका, तो आप क्या करेंगे? आप नॉर्मल केस में, क्योंकि लग्जरी व्हीकल के लिए कौन भाव जिम्मेदार है, तो व्हीकल प्रॉपर्टी सब भावों के लिए चौथा भाव है, तो आप चौथा भाव पे जाएंगे, आप चौथे भाव को चेक करेंगे कि भाई पाप ग्रहों से दृष्ट तो नहीं है, पाप ग्रहों के बीच में तो नहीं है, पाप ग्रह तो उसमें नहीं बैठे, आप चौथे भाव का स्वामी देखेंगे, लॉर्ड देखेंगे कि चौथे भाव का स्वामी कहीं पीड़ित तो नहीं, वो नीच राशि में तो नहीं बैठा, शत्रु राशि में तो नहीं बैठा, आप चौथे भाव का कारक चंद्र देखेंगे, तो ये तीन चीज़ तो आप देखेंगे
ये तो जरूरी है आपको भाव के रिजल्ट देने के लिए, कि भाव के रिजल्ट आपके कैसे होंगे उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। लेकिन एग्जैक्टली जब व्हीकल की बात आएगी तो उसके लिए कारक होता है शुक्र, चार कारक। तो साथ में शुक्र भी देखेंगे, अगर शुक्र भी अच्छा होगा तो जाहिर है आप लग्जरी व्हीकल खरीद पाएंगे। इसलिए चर कारक की बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, कि चर कारक का मतलब यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। स्थिर कारक के साथ साथ आपको हर चीज़ों के, क्योंकि हर वस्तुओं के स्थिर कारक होते हैं, हर चीज़ के चर कारक होते हैं। कोई भी चीज़ आप लगा लीजिए, पिता है उसका कारक सूर्य है, भाई है मंगल कारक है, मामा है मंगल कारक, मंगल बुध कारक है, मित्र है बुध कारक है, पुत्र है गुरु कारक है। तो इस तरीके से चर कारक भी हमारे होते हैं। तो जब हम कोई चीज़ पर्टिकुलर प्रश्न की स्टडी करते हैं, तो उस प्रश्न के उत्तर को देने से पहले आप ये सोचिए कि नंबर एक तो वो भाव कौन सा है, नंबर दो वो ग्रह कौन सा है जो रिस्पॉन्सिबल है, वो स्थिर कारक हो गया, और थर्ड वो जो चर कारक है कौन सा और ग्रह है जो स्पेसिफिकली उसी का फल देगा। अगर व्हीकल का फल देना है तो वो व्हीकल का फल देगा, या किसी भी चीज़ का फल, धन का फल देना है तो धन का ही फल देगा। तो वो ध्यान रखने वाली बात है। अब सपोज़ कीजिए कि आपसे कोई कहता है कि भाई मुझको ये चर कारक का इस्तेमाल मैं आपको और बताता हूँ, आपसे कोई कहता है कि मुझको मकान बनाना है, मुझे मेरा मकान बनेगा या नहीं बनेगा, तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि मकान बनाने से आदमी को हमेशा एक सुख का एहसास, एक सुख की अनुभूति होती है। अब आपसे किसी ने पूछा कि भाई मेरा मकान बन पाएगा नहीं बन पाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, आप उसका चौथा हाउस देखेंगे, फोर्थ हाउस देखेंगे, आप चौथे हाउस का स्वामी देखेंगे, फोर्थ लॉर्ड देखेंगे, आप चौथे हाउस का कारक चंद्रमा देखेंगे, और क्या देखेंगे आप, क्योंकि ये चीज़ तो आपका देखनी ज़रूरी है। ये तीनों मिलकर तो भाव का रिजल्ट डिसाइड करेंगे ही करेंगी। इसके अलावा चूँकि मकान मिलने से आपको खुशी होगी, तो उस खुशी का कारण जो होता है चर कारक वो होता है गुरु, तो आपको गुरु भी आप देखेंगे इसके अंदर। अगर गुरु भी आपका अच्छा हुआ इन तीनों के साथ साथ, तो आपको 100% आपका मकान आपके पास आपको मिलेगा। कोई आपसे पूछता है कि मुझे मकान मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मेरा मकान बनेगा नहीं बनेगा, तो 100% मकान बनेगा अगर फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड, चंद्रमा, गुरु उसके ठीक ठाक है। ये नहीं कहता हूँ कि सभी चीज़ फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मल केसेस में अगर ये ठीक ठाक हैं चारों चीज़ें, तो फल मिलेगा। अब कोई कहता है कि साहब ये तो हुआ कि ये वाला के इस तरीके से देखना है। अब अगर कोई कहता है साहब मेरे पे मकान तो ऑलरेडी है, मेरा दूसरा मकान कब बनेगा, या मैं कोई लग्जरियस विला कब बनाऊंगा उसके अंदर, मेरे पास मकान तो है रहने के लिए, उसमें कोई नहीं है। तो जब मकान में शुरू में रहने का या मकान के शुरू में खरीदने का जो सुख जो है उसकी अनुभूति तो वो पहले ही ले चुका है, तो गुरु तो पहले आ चुका है उसके अंदर। फोर्थ हाउस लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड, चंद्रमा और गुरु तो उसमें आ ही चुका है। उसके साथ साथ आप दूसरा मकान खरीदना चाहता है तो आप शुक्र को और देख लीजिए, क्योंकि शुक्र होता है ऐश्वर्य का कारण। अब चाहते हैं आप ऐश्वर्य, सुख तो आपको मिल चुका मकान खरीद के एक बार, लेकिन अब चाहते हैं आपकी लग्जरी विला आपके पास हो, तो आप ऐश्वर्य चाहते हैं, तो साथ में शुक्र को भी चेक कीजिए। अगर शुक्र भी ठीक है तो बहुत बढ़िया होगा। अब दूसरी चीज़ है, कोई आदमी कहता है कि साहब मुझे प्लॉट खरीदना है, मेरे पास प्लॉट होगा या नहीं होगा, तो प्लॉट जमीन हो गई बेसिकली, तो हम क्या देखेंगे, चौथा भाव देखेंगे, चौथे भाव का स्वामी देखेंगे, चौथे भाव का कारक चंद्रमा देखेंगे, और जमीन का कारक कौन होता है चर कारक, मंगल, तो मंगल देखेंगे। अगर वो सब चारों चीज़ ठीक है तो हम कहेंगे हाँ अपना प्लॉट आप खरीद सकते हो। कोई कहता है मुझे प्लॉट लेके अपना मकान बनाना है, प्लॉट लेके मकान बनाना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हुई देखिए। एक तो आपने लिया कि प्लॉट लेके मकान बनाना है, तो पहले तो प्लॉट लेने के लिए आपने क्या देखा कि चौथा हाउस देखा, चौथा लॉर्ड देखा आपने, चंद्रमा देखा, ये तीन चीज़ तो आपको देखनी देखनी है, क्योंकि ये चौथे भाव का आपका रिजल्ट डिसाइड करेंगी कि चौथे भाव का रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलने वाला है या नेगेटिव मिलने वाला है, तो इट विल डिसाइड कि आप खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मैं प्लॉट लेके मकान बनाना चाहता हूँ, तो प्लॉट लेने के लिए चर कारक में मंगल को भी देख लीजिए, और मकान बनाने का जो कारक होता है वो होता है शनि, तो शनि को भी देख लीजिए। अगर ये भी सारे अच्छे हैं तो प्लॉट लेके बढ़िया मकान आप बनाएंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए जब भी कोई प्रश्न हो तो उससे ये भी डिसाइड करें कि ये किस भाव से संबंधित है, इस भाव का भावेश कैसा है, भाव कैसा है, कारक कैसा है,
और फिर इसके लिए चर कारक कौन सा इन्वॉल्व होता है वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो जब हम चर कारक भी साथ में देखेंगे तब हमें मालूम चलेगा कि हमको प्लॉट लेना है तो मंगल भी देखना है, हमें प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करानी है तो शनि भी देखना है। अब सपोज करो किसी ने कोई मंदिर कंस्ट्रक्शन कराना है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन कराना है, अब आपके पास कोई आ गया, वो बोला साहब कि मैं मंदिर बनवाना चाहता हूँ, तो आप क्या देखेंगे? चौथा भाव तो आप देखेंगे, ठीक है, लेकिन चर कारक क्या देखेंगे? आप चौथे भाव का स्वामी देखेंगे, चौथा भाव देखेंगे, चंद्रमा देखेंगे जो सब कारक है, लेकिन साथ में चर कारक के रूप में सूर्य देखेंगे, क्योंकि सूर्य मंदिर का कारक है, सूर्य मंदिर को शो करता है, उसका चर कारक है। तो मंदिर का मंदिर जो हुआ वो सूर्य के चर कारकों में आता है, तो सूर्य भी देखेंगे। अब आपसे कोई आगे कहता है कि साहब मुझको क्या नाम है कोई धर्मशाला बनवानी है, या आपको कोई गरीबों के लिए रेस्ट हाउस बनवाना है, या कोई शेल्टर होम बनवाना है, तो आप शेल्टर होम बनवाना है तो कुंडली में उसके ये भाव तो पक्का होना ही चाहिए, भाव का स्वामी अच्छा हो, भावेश अच्छा हो, चंद्र अच्छा हो, ये तीन चीज़ तो रिक्वायर्ड है ही हैं। लेकिन शेल्टर होम बनाना है तो बेसिकली सर्विस के लिए बना रहे हैं आप किसी चीज़ को, आप अपने ऐश्वर्य के लिए नहीं बना रहे हैं। तो गुरु देखिए साथ में, तो गुरु भी साथ में देखिए, तो गुरु चर कारक हो गया। तो इस तरह की चीज़ें, धर्मशाला है, कोई प्याऊ है, इस तरह की कोई चीज़ आप बनवा रहे हैं जहाँ पर दूसरों की सेवा करी जाती हो, तो आपको चर कारक के रूप में गुरु भी देखना चाहिए। आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना है, आपको स्कूल खोलना है, कोई आपसे कहता है कि देखिए मेरी कुंडली में मुझे स्कूल खोलना चाहता हूँ, क्या मेरा स्कूल खोल पाऊंगा, मैं अपना स्कूल खोल पाऊंगा, तो ठीक है, चौथा भाव देखिए, चौथे भाव का स्वामी देखिए, चौथे भाव का कारक चंद्र देखिए, और साथ में स्कूल का कारक जो होता है वो बुध होता है, बुध को भी देखिए, अगर बुध भी ठीक है तो सब कुछ बढ़िया है। तो इस तरीके से चर कारक का इस्तेमाल करना भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है। तो जब भी किसी भाव की आप स्टडी करें तो उसका स्थिर कारक भी देखें, चर कारक भी देखें, तब आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता चलेगा कि कैसी प्रेडिक्शन से इसके हिसाब से हो रही है, और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको आराम से मिलता चला जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आए तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री कृष्णा।